हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हो ट्रेडिंग थेरेपी। स्वागत करता हूं ट्रेडिंग थेरेपी के अंदर। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात आज करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, आप सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा तरीका है। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, बहुत सारा इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन कोई इंसान बहुत कम रिस्क लेना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट का जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए स्टार्टिंग फेज होता है म्यूचुअल फंड। यहां से स्टार्ट करके आप बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज यहां से एनहांस होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप रिस्क लेना बढ़ा सकते हैं सारे मार्केट के अंदर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड करने जा रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि हम सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। म्यूचुअल फंड की बात अगर करा जाए तो हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड लगभग 1963 को स्टार्ट हो गई थी। पहली म्यूचुअल फंड थी आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, बोला जाए कि 1963 के अंदर स्टार्ट करी गई थी और सबसे पहला जो फेज स्टार्ट हुई थी वो 1964 से 1987 का। यानी कहने का मतलब, जब पहली बार म्यूचुअल फंड स्टार्ट करी गई थी तो कहीं ना कहीं फेज वाइज इन्वेस्टमेंट करी जाती थी। पहली बात कि लोग स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में लोग विश्वास ही नहीं करते थे, ट्रस्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था पैसे लेकर भाग जाएंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस हुआ और मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के डेट में 2023, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं सितंबर 2023 का AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब समझिएगा एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब सिंपल ये होता है दोस्तों, कितना फंड मार्केट से, स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है, फंड मैनेजर के पास कितना आया है। यानी कि बोल सकते AMC कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां के पास कितना फंड आई है, लगभग 46 ट्रिलियन रुपीज के करीब मार्केट में यहाँ पर पैसे आज के डेट में है। बोला जा सकता है कि रिलायंस जैसा कंपनियों को 3 बार के करीब खरीद सकती है। तो कहने का मतलब, आज के डेट में इतनी बड़ी फंड अगर म्यूचुअल फंड में आ चुकी है तो मार्केट को स्टेबल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों, अगर पहले आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड को बहुत बार या स्टॉक मार्केट को बहुत बार FII अपने तरीके से मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाया करते थे। लेकिन जब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, मार्केट से स्टेबल हो चुकी है। किसी ने आपको अगर स्टॉक मार्केट में अगर बोल दिया स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है, विश्वास नहीं करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड आ जाएगी सामने ना। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक मार्केट में कर दी गई है तो कहीं भी मार्केट के अंदर क्रैश नहीं आने वाली है। यानी कि मार्केट को आपको स्टेबल करने का काम करती है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसका ग्रोथ का, तो देखा जाए तो लगभग सितंबर 2023 के अंदर लगभग 46 ट्रिलियन रुपीज के करीब मार्केट के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। लगभग 2013 के अंदर लगभग 7.46 ट्रिलियन रुपीज के करीब इन्वेस्टमेंट था। वहीं पर 2023 के अंदर आज के डेट में लगभग बोला जाए 10 साल के बाद लगभग 46 ट्रिलियन रुपीज के करीब हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो लगभग 6 गुना के करीब आपका AUM बढ़ चुका है, एसेट अंडर मैनेजमेंट आपका बढ़ चुका है। अगर और देखोगे 2018 से 2023 का डिस्टेंस को, तो लगभग 5 साल का डिस्टेंस है और 22 ट्रिलियन से 46 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 2 गुना से ज्यादा आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। यही नहीं दोस्तों, लगभग 2014 के अंदर हमारे देश के अंदर जो म्यूचुअल फंड था, लगभग 10 ट्रिलियन रुपीज के जो वैल्यू था उसको टच कर दी थी। 2017 के अंदर ये वैल्यू हो चुकी थी 20 ट्रिलियन रुपीज का और 2020 के अंदर यह जो वैल्यू था लगभग 30 ट्रिलियन रुपीज के करीब हो चुका था। और जानकर आपको हैरानी होगी कि 2023 के अंदर लगभग 46 ट्रिलियन रुपीज के वैल्यू को टच कर दी थी। यानी कि बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजिंग मार्केट में देखी गई है। यानी कि मार्केट को स्टेबल करने का काम आज के डेट में म्यूचुअल फंड करती है। यहां पर दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर है, कौन कौन सा कंपनियां पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो नंबर वन पर है आपका ICICI बैंक, लगभग 38,952 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट है। दूसरा नंबर पर है आपका HDFC, लगभग 36,000 करोड़ के करीब यहां पर है। तीसरा नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री, चौथा नंबर पर बजाज फाइनेंस और पांचवा नंबर पर आपका इन्फोसिस, छठा नंबर पर है HDFC और सातवां नंबर पर आपका SBI। लगभग 15,303 करोड़ के करीब मार्केट में यहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। भारतीय एयरटेल का नंबर आपका 8वां होता है और इसके बाद 9वां है कोटक महिंद्रा का और 10वां है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के अंदर। लगभग 13,000 करोड़ के करीब मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड मैनेजर यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं।
हैं। तो यह सारी के सारी जो कंपनियां हैं, 10 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिसमें म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा विश्वास करती है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि ऐसे सारी कंपनियां जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के डेट में रखी हुई है, जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसमें से नंबर वन है SBI म्यूचुअल फंड। लगभग 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा इनके पास आज के डेट में AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। दूसरा नंबर पर है ICICI पोटेंशियल, तीसरा नंबर पर है HDFC और चौथा नंबर पर है निपुण इंडिया, जो लगभग 3 लाख करोड़ के करीब मार्केट में आज के डेट में फंड रखा हुआ है। पांचवा नंबर पे कोटक महिंद्रा और छठा नंबर पे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, सातवां नंबर पे एक्सिस बैंक और आठवां नंबर पे UTI म्यूचुअल फंड, जो भारत के अंदर पहली ऐसी कंपनी थी जो स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं आई थी और ये आठवां नंबर आज के डेट में है। ये भी आज के डेट में लगभग 2,23,000 करोड़ के करीब आज के डेट में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। वहीं पर नौवां नंबर पे है बंधन म्यूचुअल फंड और दसवां नंबर पे है DSP म्यूचुअल फंड, लगभग 1 लाख से ज्यादा करोड़ का मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों म्यूचुअल फंड का कुछ फैक्ट्स की बात करा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 4,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन सिर्फ 10% कंपनियां के अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी फंड मैनेजर हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि लगभग 4,000 कंपनियां में से सिर्फ 400 कंपनियां में ही म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है इन्वेस्टमेंट यहां पर करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो 90% ऐसे कंपनियां हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। और दूसरा चीज यहां पर देख सकते हो कि देश के अंदर लगभग 427 सिर्फ एक्टिव म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों इस डाटा से ये कन्फर्म हो रही है कि लगभग 95% यानी कि बोल सकते हैं 95% ऐसे म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ और सिर्फ 382 शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चलती है। और दूसरा अगर फैक्ट की बात करा जाए तो फुल फंड का लगभग 80% जो फंड होती है अप्रॉक्स 178 शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 60% जो शेयर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 79 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होते हैं ज्यादा स्मॉल कैप पर विश्वास नहीं करते, बहुत कम विश्वास करते हैं, ज्यादा ट्राई करते हैं या फिर लार्ज कैप या फिर मिड कैप ऐसे स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स जो आने वाला वक्त में बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाली है या फिर ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर ही कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके फंड मैनेजर चलती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन था जो आज के डेट में आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे हम सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।